दोस्तों बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर आप कहाँ से उसको रोटर को बुशिंग कैसे लगाते हैं, ये बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, तो आज उनके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अभी देखते हैं कि आपको दिखाते भी हैं, और मैं जा रहा हूँ आज पंढरपुर के लिए, तो देखते हैं वहाँ पे जाके कैसे बुशिंग लगाते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, हमें कुछ करना नहीं, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए अभी मैं इस फिलहाल क्यों मेरे दुकान में हूँ, और ये जो मोटर है आप देख सकते हो मैंने नीचे पूरा खोल दिया है, इसको आपको दिख रहा है क्या? तो आपको मैं कैमरे में थोड़ा सा नज़दीक लेके दिखाता हूँ कि रोटर का कैसा और कैसा व्यू है और कैसा कुछ नहीं, ठीक है? तो अभी जा रहे हैं पंढरपुर को, तो मैंने मोटर को पूरी तरह से खोल दिया है, और सिर्फ रोटर ले जाके मेरे को बुशिंग लगवा के लाने है इसकी। इस मोटर के पूरे बुशिंग ख़राब हो चुके हैं, तो देखेंगे पहले कि बुशिंग कैसे ख़राब हुए हैं, और दूसरी ये भी बात जानेंगे कि बुशिंग नए कैसे लेते हैं और उसको लगवाते कैसे हैं, और लेथ मशीन का काम होता है पूरा, तो लेथ मशीन के ऊपर कैसे बुशिंग लगवाते हैं इसके बारे में बात हम ज़रूर करेंगे। तो वहाँ पर भी जाके कुछ शूटिंग निकालेंगे, लेकिन वहाँ पे मैं कुछ बोलूँगा नहीं क्योंकि मुझे लोग पागल कहेंगे, ठीक है? तो वहाँ पे जाके सिर्फ मैं एक शूटिंग निकालूँगा और दिखाता हूँ कि मैं आपको रोटर का क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ नहीं, और हो सके तो अगर फार्मा कहाँ पर मिलता है वो भी हम देख लेंगे, तो हो सके तो हम फार्मा भी कहाँ पर मिलता है वो भी देख लेंगे, ठीक है? तो चलिए अभी देखते हैं कि रोटर का क्या हालत हुई है और क्या नहीं, और बुशिंग का ख़राब होने का क्या कारण है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है? ये देखिए एक मैंने एक पनडुब्बी समर्सिबल मोटर यहाँ पे खोल के फेंक दिया है इसको, तो इसका जो वाइंडिंग है वो अच्छा है, मैंने शॉर्ट चेक किया है तो मोटर बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं है, तो अच्छी है। तो इसकी जो प्रॉब्लम है वो पानी कम आ रहा है तो उसके बाद अलग, लेकिन इसका जो दो प्रॉब्लम है, एक तो एम्पियर ज़्यादा ले रही है और दूसरी बात पानी भी कम आ रहा है, तो इसके दो रीज़न हो सकते हैं। हम पहला रीज़न तो कम कर सकते हैं और दूसरा भी रीज़न कम कर सकते हैं, देखते हैं कैसे क्या है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है पिछला वाला हाउसिंग है और ये सामने वाला हाउसिंग है, और ये जो है पंप का पूरा सामान है जिसके अंदर ये एम्पलर वगैरह कुछ लगा रखा है, आपको दिखाता हूँ मैं, ऐसा कुछ है, ठीक है? तो मैंने पूरे नट बोल्ट निकाल दिए, मोटर को खोल दिया, अभी हम चेक करते हैं कि बुशिंग कैसे ख़राब हुए वो कैसे जानेंगे हम। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये लिया मैंने पीछे वाला हाउसिंग और इसके अंदर जो लगा है पीतल वाला बुशिंग है इसके अंदर, ये हमें चेंज करना है क्योंकि इसके अंदर गैप बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, मैं आपको दिखाऊंगा, और इसको भी निकालना होगा, तो इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पे। तो ये देखते हैं कि इसका गैप कैसे ज़्यादा हो चुका है, इसके बारे में जान लेते हैं। और ये जो है इस मोटर का रोटर है, इसका ये जो रोटर है वो एल्यूमिनियम का है, और ये जो रोटर है वो एल्यूमिनियम का है, और ये थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, लेकिन 50% ख़राब हो चुका है, थोड़ा सा चलेगा। मैंने कह दिया उस किसान को कि ये बिल्कुल मतलब प्रॉब्लम करेगा चलने में, लेकिन वो किसान की मर्ज़ी है, किसान कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं, तो ठीक है हम इसको रिपेयर नहीं करेंगे, लेकिन इसकी बुशिंग लगवाना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखते हैं इसके अंदर डाल देते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो इसके अंदर डाल दिया तो दोस्तों ये हिल रहा है कुछ इस तरह, आपको शायद दोस्तों कैमरा में दिखेगा नहीं, लेकिन ये देखिए मैं थोड़ा सा नज़दीक, ठीक है मैं ऊपर का बुशिंग चेक करता हूँ तो फिर आपको दोनों भी दिखाऊंगा। ये रहा नीचे वाला, ये जो है ऊपर वाला हाउसिंग है, ये जो है वो है ऊपर वाला हाउसिंग है, और इसके अंदर भी पीतल का बुशिंग लगा है, आप देख सकते हो ये पीतल वाला बुशिंग है, और इधर कुछ इसका ऑयल सील है, ऑयल सील भी और बुशिंग दोनों भी हम चेंज करेंगे और इसके अंदर डाल के देखते हैं। और आपको ये बता देता हूँ यहाँ पर एक बीयरिंग है, बीयरिंग की फिलहाल को अच्छी कंडीशन है, इस बेयरिंग की तो फिलहाल में अच्छी कंडीशन है, आप देख सकते हो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी हाउसिंग इसके अंदर डाल देता हूँ मैं, ये सामने वाला हाउसिंग है। तो ये देखिए थोड़ा सा आपको मैं नज़दीक लेके दिखाता हूँ यहाँ पर, तो ये देखिए कुछ यहाँ पर आपको गैप दिखेगा, यहाँ पर ऐसा नहीं हिलना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं हिलना चाहिए, ये नीचे से भी हिल रहा है और ऊपर से भी, थोड़ा सा मैं ऊपर लेके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपको गैप दिखेगा, शायद यहाँ पे नहीं दिख रहा, लेकिन आपको थोड़ा सा अगर देखेंगे तो हम दिखेगा। ये जो रोटर है ये देख सकते हो यहाँ पे घिस चुका है पूरा, इसके ऊपर क्रैचेस आ चुके हैं, ये सामने वाली बेयरिंग है, सबसे ज़्यादा इस बेयरिंग पे लोड रहता है और इस बेयरिंग पे कम रहता है, यहाँ पे हालांकि कार्बन नहीं है लेकिन चलेगा कुछ नहीं प्रॉब्लम, क्योंकि लोड जो रहता है पनडुब्बी का वो सबसे ज़्यादा सामने वाली बेयरिंग पे रहता है। अभी मैं इसको सामने वाले इसके अंदर डाल के देखता हूँ, तो देखिए यहाँ पे आप देखिए ऐसे रोटर हिलता है, ऐसे नहीं हिलना चाहिए, यहाँ पर देख लीजिए आप, ये बिल्कुल भी नहीं हिलना चाहिए कुछ इस तरह। इसका जो काम होता है इस बुशिंग का आपको बिठा के दिखाता हूँ, ये जो दोनों जो हाउसिंग का काम होता है
वो ये काम होता है कि रोटर को स्टेटर के बीचों बीच रखना, लेकिन ये ऐसे हिल रहा है तो यहाँ थोड़ा सा पास दूर लिखने का, ये जो ऐसे हिल रहा है इसीलिए क्या करता है, यहाँ पर देखिए आप गैप कम ज़्यादा हो रहा है, ऐसे हिलने की वजह से ये रोटर होता है जो स्टेटर को घिस रहा है, तो इसी की वजह से बुशिंग लगवाने पड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादा नहीं, लेकिन इसकी तो बुशिंग बहुत ज़्यादा जा चुके हैं, पीछे वाले अब देखिए इस तरह हिलता है, ये देखिए मैं फ्लैश ऑन कर देता हूँ ताकि लाइट ज़्यादा आए, ये देखिए ऐसे हिल रहा है, आपको देखा ऐसा नहीं हिलना चाहिए, और इसीलिए मैं समझता हूँ कि इसकी बुशिंग खराब हो चुकी है। तो अभी इसको नए बुशिंग लगाएंगे इसके अंदर, इलेक्ट मशीन का काम है, और देखते हैं अभी मशीन के ऊपर जाके, ठीक है। राय ऐसा बिल्कुल भी नहीं हिलना चाहिए। इसका जो बुश खराब होने का दोस्तों मेन जो कारण होता है वो होता है एल्यूमिनियम लोटर। ये देखिए इसकी जो एल्यूमिनियम लोटर में बारीक बारीक छेरे जो होती है निकल के इसके अंदर घिस जाती है, और इसी की वजह से इस मोटर का बुशिंग खराब हो जाता है, और यही कारण होता है इस मोटर के एक वर्ष के अंदर मतलब 6 महीने ही सिर्फ बुश चलता है इसका। और इसको अभी एल्यूमिनियम लोटर करना होगा, लेकिन इसके लिए पैसे है नहीं इसलिए नहीं करेंगे, वो कहते हैं कि पानी कम आए तो भी चले, अभी 5-6 महीने चलेगा तो बस होगा, ठीक है। तो कोई जाने बो जाने दो, ये मतलब थोड़ा सा पानी कम आ चुका है इस मोटर का ऑलरेडी, देखिए यहाँ पे इसके अंदर एक कनेक्शन रहता है, आप देख सकते हो ये जो लाइनिंग है इसके अंदर भी एल्यूमिनियम का कनेक्शन रहता है पूरा, मतलब वाइडिंग जैसे हम वाइडिंग करते हैं वैसे इसके अंदर भी वाइडिंग ही रहती है, तो इसके जो वाइडिंग है वो यहाँ पे ऐसे कट रही है आप देख सकते हो, ये कटने के बाद इस मोटर का ऑटोमेटिक स्पीड कम आ जाता है। अब ये हम इसको समझेंगे, कनेक्शन है रोटर का, ये जो है ये कनेक्शन है कुछ इस तरह, ये कनेक्शन होता है इधर और इधर, तो ये जो कनेक्शन अगर टूटेगा तो मोटर का इस रोटर का स्पीड कम आ जाएगा, हालांकि मोटर थोड़ी सी एम्पेयर मतलब थोड़ा सा ज़्यादा लेगी ज़्यादा नहीं, लेकिन पानी डेफिनेटली कम आ जाएगा। तो हम हमारे मोटर के बुशिंग लगवाने के लिए पंडरपुर इस दुकान में गए जहाँ पर लीक मशीन थी। वहाँ पर के जो लोग हैं वो सभी पंप का या फिर सभी सबमर्सिबल मोटर का जो भी काम है वो सभी पूरा काम करते हैं जो भी लीक मशीन के ऊपर होते हैं, तो उनके पास सिर्फ हमने जाके हमारे दो हाउसिंग दिए और कुछ नहीं, बस बाकी का काम वो बाकी अपने आप करेंगे। ले अभी पहले बुशिंग निकालेंगे और फिर इसके अंदर नए बुशिंग ला के हमें देने होंगे, देखेंगे आगे आगे प्रोसेस होता क्या है। तो ये पहला बुशिंग उन लोगों ने निकाला जो कि जो इसके ऊपर कुछ तो नंबर लिखा था, अगर नहीं लिखेंगे तो भी वो पहचान पाएंगे। इस बुशिंग का नंबर कुछ 3650 और 60 है, तो ये नंबर दिया है, तो ऐसे ही नंबर का नया बुश लाना होगा। तो इन्होंने पीछे वाले हाउसिंग का भी बुश निकाल दिया, दोनों बुशिंग हम लेंगे अभी। ये देखिए पुराना वाला बुश, इसके नंबर भी देखिए वही कुछ नंबर है, 3650 60 का कुछ नंबर है, तो वहाँ पे जाके दुकानदार हमें सेम ऐसे ही बुशिंग देगा। बस दोस्तों हमें करना कुछ नहीं है, ये जो हाउसिंग है ले जाके सिर्फ लेत मशीन वाले पास ले देना है, तो बाकी अपने आप वो पूरा अगला काम करेंगे। वाले ने हमें बुशिंग निकाल के दिए थे पुराने बुश वाले, और वो हमें नए बुश लेने थे, तो मैं दुकान में आया था यहाँ पे, देखते हैं कि दुकानदार कैसा बुश देता है और कुछ नहीं। तो ये बुश हमने दिए, एक पुराने बुश है हमारे पास, अभी ये दुकानदार हैं,
तो दोस्तों हमने जिस तरह उन्हें पुराने बुश दे दिए, उन लोगों ने उसको नाप लिया और वैसे ही सेम नए बुश दे दिए। हमें कुछ करना कुछ नहीं, बस पुराने बुश देने के बाद वो अपने आप नए बुश दे देंगे। तो अभी ऑयल सील भी लेना है, तो ऑयल सील भी हमें निकाल के दो ऑयल सील भी लेके हम ले जाएंगे लिथ मशीन के ऊपर, वो बाकी का प्रोसेस लिथ मशीन वाले करेंगे। दुकानदार को हमने पुराने ऑयल सील दिए तो उन्होंने हमें नए दो ऑयल सील दिए, क्योंकि दो ही ऑयल सील की ज़रूरत थी, तो दो भी ऑयल सील भी दिए। हमें देखना कुछ नहीं, बस पुराना ऑयल सील उनको दे दिया तो उन्होंने हमें ऐसा ही नया ऑयल सील दे दिया। बस इतना ही काम था और कुछ नहीं। यहाँ पर देख सकते हो आप, पीछे आपको पूरे फार्मा मिल जाएंगे। हाँ बराबर है, तो पूरा सामान ले लिया हमने, आप देख सकते हो यहाँ पे ऑयल सील भी लिया है। अभी इसको लेके इंस्टॉल करते हैं और फिर मिलते हैं बाद में। तो इस बुशिंग को हाउसिंग में कुछ इस तरह देखा देना है और प्रेस मशीन के ऊपर इसको इसके अंदर ढक्कन देंगे तो हमारा अच्छी तरह से बुशिंग इंस्टॉल हो जाएगा। ये है इस लेथ मशीन के मालिक, तो इनसे हमने एक रिक्वेस्ट किया कि हमारे जो चीज़ें हैं वो सभी आपके लेथ मशीन के ऊपर लगाए जाएँ, क्योंकि मुझे शूटिंग करनी है और मुझे अगर आप हमारा काम आपके पूरी लेथ मशीन पे लगा देंगे तो मुझे आसानी होगी शूटिंग करने में। तो आगे आपको पता चलेगा, तो आप आगे देख सकते हैं। ये है प्रेस मशीन जिसके ऊपर हम मशीन को प्रेस करके हाउसिंग के अंदर बैठाते हैं। तो इस प्रेस मशीन के ऊपर पहले हमें बुश को प्रेस करके हाउसिंग के अंदर बैठाना होगा, बाकी सब आप आगे देख लें। दोस्तों पहले पनडुब्बी समरसेबल मोटर जो भी मोटर हो उसको रोटर को पहले थ्रो करना पड़ता है मशीन के ऊपर, और उसकी जो स्टील की स्लीव रहती है वो ख़राब हुई होती है तो उसका थोड़ा सा कट निकालना पड़ता है, जो कि उस रोटर को एकदम प्लेन होना चाहिए। और उसके ऊपर दो प्रकार के पॉलिश पेपर लगाए जाते हैं, जैसे कि एक पॉलिश पेपर और दूसरा एक रफ़ होता है और एक जीरो पॉलिश पेपर होता है।
और उसके बाद ये रोटर कंप्लीट होता है। देखिए इस वर्कशॉप में टोटल 3 लेथ मशीन है, तो तीनों मशीन के ऊपर हमारा ही काम चल रहा है। पहले लेथ मशीन के ऊपर हमारा रोटर फिनिशिंग चल रहा है, दूसरे लेथ मशीन के ऊपर हमारा फ्रंट वाला हाउसिंग का काम चल रहा है, और तीसरे वाले लेथ मशीन के ऊपर हमारा सेकंड वाला हाउसिंग का काम चल रहा है। तो अभी देखिए आप तीनों भी एक साथ काम चल रहा है, तो मुझे शूटिंग निकालने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, और उस मालिक को धन्यवाद कहना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने हमारा काम एक साथ ही तीनों मशीन पे ले लिया। देखिए दोस्तों सिर्फ रोटर का कट निकालने से कुछ नहीं होगा, उसके ऊपर पॉलिश पेपर लगाने होंगे, जो कि दो टाइप के पॉलिश पेपर आते हैं, एक रफ पेपर होता है और एक जीरो पेपर होता है। ये इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हमारे मोटर के बूश जल्दी से ख़राब ना हो। का पूरा काम होने के बाद वो रोटर के शाफ्ट का नाप लेते हैं, और वो जो नाप है इसलिए लेते हैं ताकि उतना ही बोर इस बुशिंग को लगाना है जितना रोटर का है, एकदम फेस टू फेस जाना चाहिए, इसके अंदर ज़्यादा गैप रहना नहीं चाहिए, तो इस बात का वो लोग खास ध्यान देते हैं। और एक बात ज़रूरी होती है, इसके अंदर ये जो हाउसिंग है इसको अच्छी तरह से थ्रो करना ये बहुत ही ज़रूरी है। ये जो दूसरा लेथ मशीन चलाने वाला है वो पीछे का हाउसिंग बनाएगा, ये पीछे के शाफ्ट का नाप लेगा रोटर के, और उसको बाद में जाके वहाँ पे मशीन के ऊपर सेट करेगा उसको। फिलहाल दोस्तों हमारे काम दो मशीन के ऊपर चल रहा है, ये जो हाउसिंग आप देख रहे हो वो पीछे वाला है और सामने वाला हाउसिंग दूसरे मशीन के ऊपर काम चल रहा है, तो हमारा पूरा काम कम्प्लीट हो जाएगा। तो थोड़ी सी बात करते हैं दोस्तों कि इसको लेथ मशीन की ज़रूरत क्यों पड़ी। दोस्तों लेथ मशीन की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि दोस्तों आपने पहले देखा था कि हमने बुशिंग हिल रहा था, इसलिए कहा था कि मैंने बुशिंग ख़राब हो रहा है, क्योंकि दोस्तों स्टेटर के बीच में बहुत ही कम अंतर होता है मोटर के, तो यहाँ पर अगर हमारा बुश थोड़ा भी हिलेगा तो दोस्तों हमारा रोटर स्टेटर को घिस सकता है, यानी कि स्टेटर के और रोटर के बीच में बहुत ही कम अंतर होने के कारण अगर थोड़ा सा भी रोटर हिल जाता है तो हम समझ लेते हैं उसको बुशिंग ख़राब है। तो दोस्तों इसको अच्छी तरह से फेस टू फेस बुशिंग लगाना बहुत ही ज़रूरी होती है। जब भी हम दोस्तों बुशिंग नया लेते हैं तब ये बुशिंग ओवर साइज़ होता है, यानी कि ज़्यादा साइज़ का होता है,
और फिर से इसको कट निकाल निकाल के इसको रोटर की साइज़ का बनाया दिया जाता है। तो इसीलिए दोस्तों इस मशीन की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो दोस्तों हमारे मोटर के रोटर के बुशिंग बना के टोटल कंप्लीट हो चुके हैं। उन लोगों ने हमें पूरे बुशिंग बना के दिए हैं, तो आप देख सकते हो दोनों के दोनों एकदम मस्त बुशिंग लगा के दिए हैं। तो अभी बस ये ले जाना है और मोटर के अंदर इंस्टॉल करना है। तो आखिर में दोस्तों मैं घर पे आ चुका हूँ और रोटर भी ले आया हूँ। तो अभी देखते हैं कि इस मोटर को कैसे फिटिंग करना है और कैसे नहीं। तो पूरा मोटर को फिट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। और थोड़ा सा एक सिंपल तरीका मैं आपको मोटर फिटिंग करने का दिखाऊंगा, जिसके अंदर हम पनडुब्बी फिट करेंगे। अभी जो आप देखेंगे वो आप देखेंगे कि मैं घर पे आने के बाद वो बुशिंग कैसे दिखता है। तो दोस्तों मैंने घर पे ले आया हूँ इस मोटर को पूरे बुशिंग लगा के। ये हमने नई बुशिंग बिठाई है, आप देख सकते हो ये नया बुशिंग बिठाया हमने। ये ऑयल सील है और ये पीछे वाला है। देखिए यहाँ पे जैसा काउंटर था वैसे यहाँ पर भी काउंटर कंपनी का आता है, लेकिन यहाँ पर किसी ने नहीं बिठाया है तो हमने भी नहीं बिठाया। और ज़्यादातर जो पीछे की जो बेरिंग या फिर पीछे की जो बेरिंग है काउंटर जो भी हो उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जैसे कि फ्रंट साइड में कुछ बेरिंग है, फ्रंट साइड में तो बेरिंग है लेकिन पीछे नहीं है, इतना मतलब चलेगा कोई। और ये जो है हमारा स्टेटर है, इसको थोड़ा सा मैं साफ़ कर देता हूँ पानी से और इसको फिट कर देता हूँ। अभी हो गया तो काम पूरा, ये भी रोटर का भी पूरा हो चुका है। इसको अच्छे से पॉलिश लगा दिया उन लोगों ने। और मैं क्या कह रहा था कि आपको यहाँ पे पीछे की बेरिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये रहा सामने वाला पंप, पंप को भी अच्छी तरह से फिट कर देते हैं। और ये रहा एम्पलेट, इसके अंदर कुछ नट बोल्ट हैं, तो इसको पूरा अच्छी तरह से फिट कर देंगे। उससे पहले एक काम कर देना है हम लोगों को कि ये जो सामने वाला रहता है इसको उल्टा लगा के इसको यहाँ पे ऑयल सील बिठाने, यहाँ पे ऑयल सील बिठाएंगे हम। जैसे कि ये जो ऑयल सील होता है जो जिसका क्या कीमत है इसका 37-55-7 का ऑयल सील है, तो इसको यहाँ पे बिठाएंगे हम। बनाते वक्त विशेष बात का ध्यान दें कि ये जो एम्पलर है वो सामने ना घिस पाए, इस तरह एम्पलर सेट करना होता है।
हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं बोलने के लिए, नहीं तो हम पूरा आपको बता देते क्योंकि वीडियो साइज बहुत ही लंबी हो चुकी है। तो चलिए अभी टेस्ट करके देखते हैं कि कितना एम्पीयर लेती है और कितना नहीं मोटर। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों आपके मन में अगर कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर यार, गुड बाय।